आप सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, सम्राट पृथ्वीराज चौहान गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज मैं आपको रक्त में आरबीसी की गणना को किस प्रकार से किया जाता है उसके प्रैक्टिकल के बारे में मैं बताऊंगा आपको कि हम लोग किस प्रकार से हमारे रक्त में आरबीसी की गणना को कर सकते हैं। ये जो आरबीसी की गणना वाला जो आपका है वो आपके प्रैक्टिकल में है, और प्रैक्टिकल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो कि हर बार एग्जाम में आती है। तो सबसे पहली बात, आरबीसी की गणना को किस प्रकार से करते हैं उसके लिए हम लोग ये माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। इसमें ये आपका आईपीस है और ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव को यदि हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें चार प्रकार के या तीन प्रकार के कभी कभी ऑब्जेक्टिव होते हैं। तीन प्रकार के ऑब्जेक्टिव में कौन कौन से होते हैं? एक आपका 10x वाला ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें ये पीली धारियां है, ठीक है। दूसरा होता है आपका 40x वाला ऑब्जेक्टिव होता है जिसमें ये नीली धारी है, और तीसरा जो आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है वो 100x का होता है जिसमें कि ये वाइट धारी होती है, ठीक है। और कुछ जो अच्छे माइक्रोस्कोप होते हैं उनमें एक ऑब्जेक्टिव और होता है जिसको 4x कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है कि यहाँ पे आपका मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आई पी इसमें 10x है, तो यदि अपने 4x लगाएंगे तो 10 × 4 यानी 100 हो गया, 100 टाइम मैग्नीफाई करेगा। यदि ये 40 है ऊपर 10 है तो 40 × 10 यानी अगेन 40 × 10 यानी 400 टाइम मैग्नीफाई करेगा। 10 है तो 10 × 10 यानी 100 टाइम मैग्नीफाई करेगा, और 100 है और 100 × 10 यानी 1000 टाइम ये मैग्नीफाई करेगा। यदि हम रक्त की स्ट्रक्चर यदि हम देखें तो रक्त के स्ट्रक्चर में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है। एक आपके रेड ब्लड सेल्स है, दूसरे आपके प्लेटलेट्स हैं, और तीसरी आपकी वाइट ब्लड सेल्स हैं। और जो रक्त नलिकाएं होती है, जो धमनियां और सिराएं होती हैं, वो ये तीनों इनमें बहती हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हमारे रक्त में या जो दिया गया रक्त है उसमें रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग कर सकते हैं। किसके साथ में, किसकी सहायता से? आपके माइक्रोस्कोप की सहायता से, ठीक है। अब वो किस प्रकार करते हैं और उसका क्या महत्व है उसका हम आगे देखते हैं। जैसे आप सब लोगों को पता है कि पिछली क्लास में हमने देखा था कि हमने रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा को डिटरमाइन किया था, और हीमोग्लोबिन कहाँ रहता है? रेड ब्लड सेल्स में रहता है। अतः हम क्या कर सकते हैं, यदि किसी में मान लीजिए किसी भी व्यक्ति में एनीमिया है, या मान लीजिए कोई इन्फेक्शन हो गया है, या किसी में ना जो रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, तो उसका पता करने के लिए हम क्या करते हैं, रक्त में रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को ज्ञात कर लेते हैं, रेड ब्लड सेल्स की काउंटिंग को पता कर लेते हैं, जिससे हमें यह पता लगता है कि इस व्यक्ति में कोई ब्लड डिसऑर्डर तो नहीं हो गया, या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है, या किसी प्रकार का कोई एनीमिया तो नहीं हो गया है। अब जो रेड जो इरिथ्रोसाइट्स काउंट है उसका एम क्या, बेसिकली कि टू इनुमरेट द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ए गिवन ब्लड सैंपल। हमको अपने रिकॉर्ड में इस तरह से रखना है कि दिए गए रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की कुल संख्या को ज्ञात करो, और इंग्लिश मीडियम वाले को टू इनुमरेट द टोटल नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स ऑफ ए गिवन ब्लड सैंपल्स। अब इनमें तीन प्रकार के मेथड्स बड़े इंपॉर्टेंट है। एक आपका होता है फोटो इलेक्ट्रिक काउंटिंग मेथड्स, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक काउंटिंग मेथड्स, और तीसरा होता है आपका हीमोसाइटोमीटर न्यू बार काउंटिंग मेथड्स। हम हमारे एक्सपेरिमेंट में हीमोसाइटोमीटर यानी न्यू बार काउंटिंग मेथड ही यूज करते हैं। अब यह क्या होता है ये हम आगे लेते हैं कि हीमोसाइटोमीटर को न्यू बार वाले काउंटिंग मेथड में क्या करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग क्या क्या जरूरत होती है, हीमोसाइटोमीटर काउंटिंग चैम्बर हमारे को आवश्यकता होती है, कवर स्लिप आइस की आवश्यकता होती है, लाइट माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, आरबीसी पिपेट की आवश्यकता होती है, और आरबीसी डायलेटिंग जो फ्लूइड होता है जिसको हम लोग हेम सॉल्यूशन कहते हैं, अथवा हम लोग फिजियोलॉजिकल सलाइन जो कि 0.85% या 0.9% NaCl जो होता है उसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये आपका न्यू बार स्लाइड है, ठीक है। उस न्यू बार के स्लाइड में यहाँ पे देखिए आप, ये देखो ये H की जैसे शेप है, ये जो है इसके ऊपर और नीचे दो काउंटिंग चैम्बर बने हुए होते हैं। यदि इन काउंटिंग चैम्बर को हम लोग देखें
तो बेसिकली ये जो काउंटिंग चैम्बर होता है वो माइक्रोस्कोप के नीचे आपका जो 10x जो लेंस है, जैसे जिसमें हमने पहले बताया था कि 10x जो है 10x into 10x यानी 100 मैग्नीफिकेशन पे, या 4 into 10 यानी 40 मैग्नीफिकेशन पे आपको इस प्रकार का दिखाई ये देता है। इसकी यदि हम लोग है ना जो गहराई लंबाई देखें, तो ये देखिए आप, इसकी जो ये जो चैम्बर है जो कि कॉर्नर पे दिखाई दे रहा है, इसकी लंबाई होती है 1 मिलीमीटर, और इसका ये जो छोटा खाना होता है उसकी लंबाई होती है 0.25 mm। तो इस जो चैम्बर होता है उसमें तो हम लोग क्या करते हैं, WBC की संख्या को ज्ञात करते हैं। ठीक है, ये देखिए जैसे आपके WBC दिख रही है, यहाँ पे ये जो बीच वाला चैम्बर है इसको यदि हम लोग मैग्नीफाई करें 40x आपके जो माइक्रोस्कोपिक जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसके अंदर, तो हम ये देखें तो इसमें क्या होता है, जैसे एक एक जो ये खाना है उसमें क्या है, 5-5 है आपके, 4-4 है, ठीक है, 1, 2, 3, 4 यानी ये 16 है ना जो वर्ग है ना, और 16 के आपके ये वाला जो है ना जो 1, 2, 3, 4, 5 यानी 25 बने रहते हैं, और 25 into 60 हम ये लोग देखें तो 400 जो खाने होते हैं उसमें ये होते हैं। और इसकी जो लंबाई है पूरे की खाने के 1 mm है, ये जो खाना है इसकी लंबाई है 0.2 mm, और ये एक छोटा जो खाना है उसकी जो है 0.5 mm इसकी होती है। इसमें हम लोग स्पर्म काउंटिंग कर सकते हैं, इस वाले में खाने में यीस्ट और RBC की काउंटिंग हम लोग कर सकते हैं। ये आप और देखिए बड़ा स्वरूप इसका, यहाँ पे WBC की काउंटिंग करते हैं और यहाँ पे इन 5 खानों में हम लोग RBC की काउंटिंग हम लोग करते हैं। अभी हम लोग RBC ले रहे हैं तो RBC पे हम लोग फोकस करते हैं। तो सबसे पहली बात किस प्रकार से हम लोग करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो RBC जो पिपेट होती है उसके 0.5 मार्क तक, 0.5 जो निशान है उसमें हम लोग ब्लड को भर लेते हैं, ब्लड को हमने उस मार्क तक भर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग एक जो आइसोटॉनिक सॉल्यूशन होता है, सम परासरी जो सॉल्यूशन होता है जिनमें नॉर्मल सालाइन भी ले सकते हैं जो कि 0.9% NaCl होता है, अथवा हेम सॉल्यूशंस भी यूज करते हैं, उसको हम लोग जो ऊपर का जो मार्क होता है उस पेट के ऊपर का जो मार्क होता है जो कि 101 मार्क तक होता है, उस मार्क तक हम लोग क्या करते हैं, आपका जो ब्लड है उसको हम लोग डायल्यूट उसमें कर लेते हैं, और जो ब्लड और जो डायलिटिंग फ्लूड है उसको हम लोग इस पिपेट को शेक करके और मिक्स उसमें मिक्स कर लेते हैं, और उसको हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे यानी उसको आरडी पोजीशन पे 2 से 3 मिनट रखते हैं, जिससे कि WBC का कंप्लीट हीमोलाइसिस हो जाए, यानी हीमोलाइसिस WBC का हो जाए जिससे कि उसमें सिर्फ RBC ही बचे और जिनकी हम लोग काउंटिंग कर सकें। ठीक है, तो हमने क्या किया, ब्लड और जो डायलिटिंग फ्लूड था जो कि 0.9% NaCl था अथवा हेम सॉल्यूशन था, उन दोनों को हमने मिक्स कर लिया, और आपकी जो पिपेट है उसको हमने आरडी पोजीशन पे या अपन हॉरिजॉन्टल पोजीशन पे 2 से 3 मिनट तक रखा, जिससे कि WBC का कंप्लीट हीमोलाइसिस हो जाए। अब क्या करते हैं हम लोग, जो स्लाइड होती है जिसको हमने माइक्रोस्कोप के नीचे लगा रखा है, उसकी 2 से 4 ड्रॉप है ना जो, पहले तो हमने उसकी निकाल दी, और निकाले बाद में उसकी जो एक ड्रॉप है उस फ्लूड को जो कवर ग्लास के नीचे से उस जो न्यू बार स्लाइड है उसके हम ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, और 2 से 3 मिनट तक हम लोग वेट करते हैं, जिससे कि आपकी जो एरिथ्रोसाइट्स है वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर सेटल डाउन हो जाए। ठीक है, तो सेटल डाउन होने के बाद में हम लोग काउंटिंग करते हैं, अन्यथा आप यदि पहले काउंटिंग करोगे तो पहले एक चैम्बर में और दूसरे चैम्बर में चली जाएगी वो, है ना, यानी बहेगी ना, तो बहने से रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 से 3 मिनट है ना जो उन एरिथ्रोसाइट्स को सेटल डाउन होने देते हैं, और फिर बाद में हम लोग क्या करते हैं, टोटल नंबर जो ऑफ सेल्स है जो 5 स्क्वायर में है जो कि काउंटिंग चैम्बर के सेंटर में है, उसको है ना जो 40x माइक्रोस्कोप के नीचे उनको काउंटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले तो हमने जो जो पिपेट के जो किनारे पे जो बूंद लगी हुई उनको डिस्कार्ड किया, उनको है ना जो हमने कॉटन लगा करके उनको उठाया, फिर बाद में है ना जो एक ड्रॉप है ना जो हमने कवर ग्लास के नीचे से उस स्लाइड के ऊपर डाल दी, डाले बाद में हमने थोड़ी देर उसको सेटल डाउन होने के लिए रखा,
सेटल डाउन होने के बाद में हम लोग 5 स्क्वायर्स में उन जो आरबीसीज की संख्या को हम लोग गिन लेते हैं। अब किस प्रकार से गिनते हैं वो हम आगे देखते हैं। ये देखिए आप यहाँ पे जो देखो ये आरबीसीज है ना, ये वाले, इनको हम लोग गिनते हैं, ठीक है। इन वाले आरबीसीज को हम लोग गिनते नहीं हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, ब्लू सेल्स को हमने काउंट किया और जिगजैग पैटर्न में पहले यों फिर यों फिर यों ऐसे हम लोग काउंटिंग करते हुए इनकी चलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इनकी काउंटिंग कर ली। काउंटिंग करे बाद में हम लोग क्या करते हैं, इसका ना जो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेल्स इन 5 स्क्वायर है ना, यानी 80 स्मॉल स्क्वायर में करते हैं। जैसे हमने बताया था आपको कि एक जो स्क्वायर होता है उसमें 16 है ना जो छोटे स्क्वायर्स होते हैं, यानी 5 स्क्वायर में गिनेंगे तो 16 × 5 यानी 80 स्क्वायर्स हो गए। उनको डाइल्यूशन नंबर क्या आपका 200 टाइम्स है, और उसका जो वॉल्यूम है वो हमने देख लिया 50। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आरबीसी की संख्या निकाल लेते हैं पर माइक्रोलीटर में, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई किया और आरबीसी की संख्या आ जाती है आपकी कि इतनी आरबीसीज प्रति माइक्रोलीटर में, यानी नंबर इंटू 200 × 50। 200 के आपका डाइल्यूशन फैक्टर है, जो हमने 0.5 ब्लड लेकर के जो 101 तक किया था, एक को अपन हटा देते हैं क्योंकि जो किनारे की जो बूंदे हैं उनको हम लोग डिस्कार्ड कर रहे हैं। तो कितना 100 × 2 यानी 200 टाइम इसका डाइल्यूशन हो जाता है, उससे उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं। और यदि हम लोग इनकी जो मात्रा देखें तो 4.7 × 6.1 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर होती है, और फीमेल में इनकी संख्या होती है 4.2 से 5.4 मिलियन सेल्स पर माइक्रोलीटर। यानी मेल में इनकी संख्या 4.7 से 6.1 और फीमेल में इनकी संख्या 4.2 से 5.4 मिलियन पर माइक्रोलीटर इनकी होती है। तो आज हमने आरबीसी की काउंटिंग को या एरिथ्रोसाइट्स की काउंटिंग को ख़त्म कर दिया है। अगली क्लास में हम लोग डब्ल्यूबीसी की काउंटिंग लेंगे। धन्यवाद।